कर्नाटक में कांग्रेस सरकार का शपथ ग्रहण, समारोह में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के तौर पर सिद्धरमैया ने ली शपथ, 1983 में पहली बार विधानसभा चुनाव जीते थे सिद्धरमैया। कर्नाटक मंत्रिमंडल में जीके शिवकुमार ने भी ली शपथ, दलित नेता जी परमेश्वर भी बनाए गए मंत्री। चित्तापुर से तीसरी बार विधायक बने प्रियांक ने मंत्री पद की शपथ ली, कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे हैं प्रियांक। केजे जॉर्ज भी कर्नाटक सरकार का बने हिस्सा, के एच मुनियप्पा ने भी पद गोपनीयता की शपथ ली। G7 बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से की मुलाकात, बाइडेन ने गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी को लगाए गले। G7 में बढ़ता हुआ दिखा भारत का कद, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन खुद पीएम मोदी से मिलने पहुंचे। पीएम मोदी ने जापानी पीएम फूमियो किशिदा से की मुलाकात, दोनों नेताओं ने व्यापार, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारत जापान के बीच मित्रता बढ़ाने पर की द्विपक्षीय वार्ता। पीएम मोदी ने हिरोशिमा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का किया अनावरण, बापू को दी श्रद्धांजलि। वियतनाम के प्रधानमंत्री से भी मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई अहम मसलों पर हुई चर्चा। बाजार से 2000 के नोट वापस लिए जाने के फैसले के बाद बड़ी हलचल, 23 मई से 23 सितंबर तक वापस कर सकते हैं 2000 के नोट। नोट वापसी के लिए सरकार ने 4 महीने से ज्यादा की दी है मोहलत, एक बार में वापस होंगे 2000 के 10 नोट, हर दिन 20,000 तक वापसी। घर बैठे भी खातों में जमा कर सकते हैं ये नोट, रिजर्व बैंक के बैंक मित्र घर पर आकर नोट बदलेंगे। बैंक मित्र एक बार में केवल 2 नोट यानी 4000 के नोट ही बदलेंगे, गांव में जहां बैंक नहीं है वहां मोबाइल वैन से नोट बदलने की मिलेगी सुविधा। 30 सितंबर तक बाजार में पूरी तरह चलन में रहेंगे ये नोट, खरीदारी में भी इस्तेमाल किए जा सकेंगे नोट। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों की जंग जारी, दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी बोली, अधिकारियों को चुनी हुई सरकार के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। आतिशी ने केंद्र की अधिसूचना को ठहराया गलत, बोली असंवैधानिक अध्यादेश का रद्द कर देगा सुप्रीम कोर्ट। बीजेपी के दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केंद्र सरकार के अध्यादेश को बताया सही, कहा हम ऑर्डिनेंस का स्वागत करते हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर लगाया आरोप, कहा दफ्तरों के ताले तोड़कर फाइलें चोरी की जा रही हैं। दक्षिणी दिल्ली से सांसद रमेश बिधूरी ने ट्रांसफर पोस्टिंग पर लगाए गए अध्यादेश का दिया समर्थन, कहा देश संविधान के हिसाब से चलेगा। देश के सबसे अमीर मंदिरों में शुमार हुआ पटना का महावीर मंदिर, सालाना 36 करोड़ हुई आमदनी। एक बार फिर देवदूत बनकर सामने आई भारतीय सेना, उत्तरी सिक्किम में 500 पर्यटकों की बचाई जान। श्रीनगर में खास जायके के साथ G20 के विदेशी मेहमानों का होगा स्वागत, स्पेशल डिश कलारी खास तौर से किया जाएगा पेश। श्योपुर कूनो नेशनल पार्क में चीतों को बाड़े से जंगल में छोड़ने का काम शुरू, फिलहाल 3 चीतों को किया गया रिलीज। शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 में भी भारतीय खिलाड़ियों का गोल्ड पर निशाना, ज्योति सुरेखा और ओजस देवताले ने कोरियाई जोड़ी को हराकर पदक पर किया कब्जा।